Hello, everyone, welcome back to my channel. In this video, we will be basically covering the chain rule and exercise 5.2 questions that are based on the topic of chain rule and the differentiability that we have covered in the last video. So, before starting with the chain rule, there are certain rules that needs to be followed when there are two or more functions given that needs to be differentiated and v given that needs to be differentiated that will be given so we need to follow five rules to differentiate those functions so first rule is u plus v whole differentiation like we need to find the differentiation of u plus v and then it is done the basic rule says that first we need to differentiate u and v and then we need to add the result of the differentiation simply so it is equal the second rule is for the subtraction the difference part it is also same just like addition you need to differentiate both the dif terms independently and we subtract both the differentiations that have been independently solved for u and v थर्ड हमारा रूल कहता है द प्रोडक्ट रूल तो थर्ड रूल इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल इसमें क्या होता है हमें जब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके दोनों का रिजल्टेंट का डिफ्रेंसिएशन निकालना होता है यू वी का मल्टीप्लाई का होल डिफ्रेंसिएशन निकालना तो वो हम क्या करते हैं हम सबसे पहले, पहले पहला फंक्शन कंसिडर करते हैं जो हमें गिवन होता है हम उसका डिफरेंसिएशन निकालते हैं यू डैश फिर वी को हम सिंपली एज इट इज पुट करते हैं देन हम u को एज इट इज सेम पुट करते हैं और v का डिफरेंसिएशन निकालते हैं और उनका एड कर देते हैं तो हमें क्या करना होता है सबसे पहले अगर हमें यू वी का डिफरेंसिएशन निकालना है दैट इज द प्रोडक्ट रूल हम यू का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे वी को एज इट इज रखेंगे प्लस करेंगे यू को एज इट इज रखेंगे और वी का डिफरेंसिएशन निकालेंगे ओके फोर्थ जो होता है वो हमारा क्वेश्चन रूल होता है इसमें क्या होता है हमें यू और वी का डिफ्रेंसिएशन निकालना होता है जो डिवाइड में होता है तो हमें क्या करना होता है सिंपली सबसे पहले हमें क्या करना है जो हमें डिनोमिनेटर में फंक्शन गिवन होता है उसको हम एज स्क्वायर पुट कर देते हैं वी स्क्वायर फिर हम ऊपर न्यूमिनेटर का सॉल्व करते हैं कैसे करते हैं जैसे हमने प्रोडक्ट रूल में किया पहला फंक्शन हम कंसिडर करेंगे सिंपली याद रखना पहले का हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे सेकेंड को एज इट इज रखेंगे फिर हम सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे यू को वैसे एज इट इज रखा वी का डिफ्रेंसिएशन निकाला प्रोडक्ट रूल में हम एड करते थे और क्वेश्चन रूल में ये चीज डिफरेंट होती है कि हम माइनस करते हैं तो क्वेश्चन रूल में क्या होता है जो हमें डिनोमिनेटर में फंक्शन गिवन होता है ई वाला उसका हम स्क्वायर निकालेंगे डिनोमिनेटर में रखेंगे और न्यूमिनेटर के लिए हम फर्स्ट फंक्शन का डिफेंसिएशन सेकंड फंक्शन को एज इट इज माइनस फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज सेकेंड का डिफेंसिएशन ठीक है अब फिफ्थ हमें गिवन होता है फिफ्थ जो हमें रूल गिवन होता है वो होता है हमारा कि हमें के यू का निकालना है निकालने के जो है वो हमारा एक कॉन्स्टेंट है तो कांस्टेंट की टर्म में मैंने आपको क्या बताया था कि कांस्टेंट को हम एज इट इज बाहर कर देंगे और उसके बाद हम यू का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे ठीक है ये हमारा फिफ्थ रूल है सो so ये कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं सो so नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं चेन रूल अब हम स्टार्ट करेंगे चेन रूल चेन रूल जो होता है ये टॉपिक जो है ना ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है अगर अगर ये आपको समझ नहीं आएगा ना टॉपिक अगर नहीं समझ पाओगे तो आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि कि किसी भी कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए ये हमारा चेन रूल जो होता है वो बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है तो हम क्या करते हैं इसको बहुत ईजी तरीके से समझाती हूँ और उसके बाद हम इसी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए तो चेन रूल जो होता है वो हमारा एप्लीकेबल होता है फॉर कॉम्पोजिट फंक्शन किन के लिए एप्लीकेबल होते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन कॉम्पोजिट फंक्शन जो होते हैं वो बेसिकली फंक्शन होते हैं फंक्शन इन फंक्शन इन्हें हम बोलते हैं फंक्शन इन फंक्शन इसका क्या मतलब है फंक्शन इन फंक्शन का मतलब है जैसे कि हमें दो फंक्शन गिवन है जीएक्स और एफ एक्स और उसमें क्या है हमें गिवन है जीएक्स जो है इन एफ ऑफ एक्स है इसका क्या मतलब है कि हमारा जो फंक्शन गिवन होगा उसके जी जो है उस फंक्शन के अंदर होगा तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा जो चेन रूल होता है वो एप्लीकेबल होता है कॉम्पोजिट फंक्शन में कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन एंड फंक्शन ठीक है तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपको समझाती हूँ कि फंक्शन एंड फंक्शन का क्या मतलब है एक एग्जाम्पल लेते हैं फंक्शन एंड फंक्शन के लिए जैसे तो हमें गिवन है साइन एक्स हमें एक फंक्शन गिवन है तो इसमें क्या होगा आप देखो आप दो फंक्शन गिवन है जिसमें हमारा एफ एक्स जो है वो साइन एक्स के इक्वल है और जी एक्स जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो अगर आप इसी को इसमें ऐसे डिनोट करना है तो ये कैसे डिनोट होगा आपका कि आपका फंक्शन एक्स जो है वो इन जी ऑफ एक्स है ऐसे है क्या फंक्शन एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स में है नो जी ऑफ एक्स जो है वो आपका फंक्शन एक्स में है ओके जी ऑफ एक्स इन एफ एक्स क्या है कि आपको जी ऑफ एक्स जो है एफ एन एक्स के अंदर है एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है वो है साइन एक्स अब आपको एफ के अंदर जी एक्स बताना है तो क्या हुआ साइन और जी एक्स के आपका एक्स स्क्वायर तो ऐसे ये रिंड होगा तो साइन एक्स स्क्वायर आपका आ गया ओके okay? एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं साइन टेन एक्स साइन टेन एक्स में आपको देखू आपका फंक्शन ऑफ एक्स क्या हुआ साइन एक्स और ऑफ एक्स हुआ आपका टैन एक्स आप देख सकते हो कि कॉम्पोजिट फंक्शन में आपको एक ही बार गिवन होगा ठीक है तो अगर आप आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा कि आपका फंक्शन ऑफ एक्स आपका फंक्शन एक्स है साइन एक्स और ऑफ एक्स है टैन एक्स तो आपको गिवन है फंक्शन ऑफ एक्स है आपका साइन एक्स और अब आपको फंक्शन ऑफ एक्स के अंदर ऑफ एक्स बनाना है तो क्या है साइन टैन एक्स तो आगे आपका ये ठीक है अब आपको यह समझ आया कि फंक्शन एंड फंक्शन क्या होता है तब अब अब हम समझते हैं कि इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं तो डेरिवेटिव निकालने का ना बहुत इजी तरीका है चेन रूल में चेन रूल में डेरिवेटिव निकालने का बहुत इजी तरीका है समझने का कि अगर आपको गिवन है फंक्शन जी एक्स अब आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे डेरिवेटिव निकालना है जो आपका आउटर फंक्शन गिवन होगा आउटर फंक्शन को जो सबसे पहले गिवन होगा उसको कंसिडर करना है उसका डेरिवेटिव निकालना है तो इसमें f का f का डेरिवेटिव डेरिवेटिव को आपको एज इट इज ही रखना है रखो उसके बाद f को भूल जाना है f का डेरिवेटिव हो गया ना उसको हटा दो अब आपको g का करना है अब आपको g का डेरिवेटिव निकालना है जी डैश एक्स उसके बाद आपको x का डेरिवेटिव निकालना है वैसे बेसिकली x का डेरिवेटिव हमें पता है कि वन होता है तो बट अगर आप समझ रहे हो कि कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो होंगे चेन बन रही है तो उसमें एक्स का भी डेरिवेटिव निकलता है ठीक है ये दो का हुआ अब मैं आपको तीन फंक्शन को कंसिडर करके और अच्छे से समझाती हूँ जैसे कि हमें गिवन है कि आपको एक फंक्शन गिवन है एफ जी एच ऑफ एक्स ठीक है इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करना है जो आउटर फंक्शन है उसका सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश बाकी फंक्शन को एज इट इज रखना है जी एच एक्स इसको ऐसे ही रखा हमने ठीक है उसके बाद क्या करना है मल्टीप्लाई आपका एफ हट गया एफ का डेरिवेटिव होगा उसको हटा दो जी का डेरिवेटिव निकालना है जी डैश और एच को एज इट इज रखना है एच एक्स ठीक है उसके बाद जी को भी हटा दो अब एच डैश का एच का डेरिवेटिव निकालना है एच डैश एक्स बस आपको चेंज फॉलो करनी है बहुत इजीली समझ आ जाएगा तो आई होप आपको ये स्टैंडर्ड वाला समझ आया हो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा ठीक है तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ लेती हूँ ताकि आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए और आपको चेन रूल के एग्जाम्पल्स भी समझ आ जाए ठीक है तो हम क्वेश्चन लेते हैं पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं जो गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इसका हम फाइन करते हैं ठीक है चेन रूल के थ्रू तो क्या करना है हमें आपको देख के पता चल रहा है कि आपका फंक्शन ऑफ एक्स है साइन एक्स एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन आपको बनाए एक्सक्वायर प्लस फाइव ठीक है अब आपको क्या करना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव कर निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया है जो हमारा सबसे पहला वाला फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो साइन इसको हम एज एन एक फंक्शन कंसिडर करेंगे एक्स वेरिएबल कंसिडर करेंगे इसको एज इट इज ही रख देंगे तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एज इट इज आया उसके बाद आपको इसका डेरिवेटिव लेना है साइन को भूल जाओ x स्क्र का डेरिवेटिव होता है 2x और 5 का डेरिवेटिव जीरो ही का कॉन्स्टेंट है तो क्या है आपका डेरिवेटिव 2x एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट hmm, क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कॉस साइन एक्स वाला सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं कॉस साइन एक्स ठीक है इसका डेरिवेटिव निकालेंगे क्या आएगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन साइन एक्स को एज इट इज लिखना है कॉज का डेरिवेटिव हो गया हटा दो इसको साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स तो क्या आंसर आ हो गया आपका माइनस कॉस एक्स साइन ऑफ साइन एक्स ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सेक टेन अंडर रूट एक्स का sec tan अंडर रूट एक्स इसमें तीन गिवन बने हमें फंक्शन ठीक है अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे पहले सेक का निकालेंगे सेक का डेरिवेटिव मैंने आपको लास्ट में ही बताया था लास्ट में जो हम सब स्टैंडर्ड कर रहे थे तो सेक का डेरिवेटिव होता है सेक x, tan एक्स x, तो क्या सेक एज इट इज टैन अंडर रूट एक्स अब टैन का भी तो लिखेंगे टेन सिमिलरली टेन अंडर रूट एक्स एज इट इज उसके बाद हमें टैन का डेरिवेटिव निकालना है टैन का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है सेक्स स्क्स तो सेक्स स्क्ट ऑफ एक्स आ गया ठीक है और उसके बाद हमें अंडर रूट ऑफ तो एक्स का निकालना डेरेवेटिव क्या था टू रूट एक्स अपॉन वन अपॉन टू रूट एक्स तो ये आया आपका इसका डेरेवेटिव सेक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव इसको निकालते हैं तो आप क्वेश्चन देख के समझ रहे हो कि यहाँ तो हमें कॉम्पोजिट फंक्शन गिवन है तो हमें चेन रूल तो अप्लाई करना ही है साथ में हमें प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करना है क्योंकि एक हमें ये u गिवन है और ये हमें v गिवन है तो आपका क्या होता था u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होता था u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस v का u एज इट इज v का डेरिवेटिव तो निकालते हैं पहले हम u का डेरिवेटिव निकालते हैं क्या होगा cos एक्स क्यू तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स क्यूब एज इज अब एक्स क्यूब का derivative निकालेंगे क्या होता है square और ये भी हमें एज इट इज साइन स्कोर एक्स की पावर 5, तो इसका डेरिवेटिव ये है और ये हमारा वी एज इट इज है प्लस अब हम निकालेंगे यू को एज इट इज रखते हैं कॉस एक्स क्यूब यू एज इट इज अब वी का निकालना है हमें डेरिवेटिव वी का डेरिवेटिव क्या होगा साइन स्क्र एक्स की पावर फाइव है तो सबसे पहले टू ए स्क्वायर एक्स का क्या होता है सबसे पहले हम इसको लेके जाते हैं यहाँ पे जो पावर में होता है तो टू साइन एक्स की पावर फाइव आया हमारा ठीक है उसके बाद साइन का क्या होगा साइन का होगा कॉस एक्स की पावर फाइव और एक्स की पावर फाइव का क्या डेरिवेटिव होगा फाइव एक्स की पावर फोर फाइव एज इट इज एक्स एन माइनस वन वाला लगेगा तो ये हमारा हुआ वी का डेरिवेटिव तो अब हम इसको लिखते हैं यू का डेरेवेटिव यह आया हमारा माइनस थ्री एक्स साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव प्लस अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमारी कांस्टेंट है उसको हम पहले बाहर लिख देते पहले लिख देंगे फाइव टू जो टेन टेन एक्स की पावर फोर ठीक है कॉस एक्स क्यूब और इनको भी लिख देंगे साइन एक्स की पावर फाइव कॉस एक्स की पावर फाइव तो ये आया हमारा इसका डेरेवेटिव एक और क्वेश्चन करते हैं चेन रूल के हमने कुछ कर लिए क्वेश्चंस, फोर क्वेश्चंस कर लिए प्रैक्टिस के लिए तो आपको समझ आ गया होगा बाकी जो एनसीईआरटी में रेस्ट क्वेश्चन है वो थोड़े बेसिक है मैंने थोड़े टफ वाले करवा दिए हैं और बेसिक वाले आप खुद प्रैक्टिस कर लो इन केस आपको बेसिक वाले में कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना एक हम नाइन्थ क्वेश्चन भी करते हैं जिसमें हमें प्रूव करने है कि फंक्शन जो है वो हमारा नॉन डिफ्रेंशियबल है एट एक्स इज इक्वल्स टू वन ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर नॉन डिफ्रेंशियबिलिटी प्रूव करने के लिए आए क्वेश्चन की तो वो हम कैसे करेंगे ठीक है तो अब हम एक ये वाला देखते हैं क्वेश्चन कि अब हमें ये क्वेश्चन है गिवन हमें नाइन्थ क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी का फाइव पॉइंट टू का कि हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है मॉड एक्स माइनस वन डॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल्स टू वन ठीक है तो हमें सबसे पहले क्या होती है हमें कंडीशन चेक करनी है कि डिफरेंशियबिलिटी की एक पॉइंट पर तो कुछ कंडीशन फुलफिल होती है कंडीशन टू चेक इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट लाइक वी कैन से सी ठीक है तो कंडीशन क्या होती है अब दो कंडीशन होती है चेक करने की पहला कंडीशन होता है कि वो फंक्शन जो होता है हमारा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू सी हमें सबसे पहले चेक करना होता है अगर हमें डिफ्रेंशियबिलिटी चेक करनी है सबसे पहले हमें प्रूफ करना होता है कि वो फंक्शन हमारा उस पॉइंट पर जिसपे डिफ्रेंशियबिलिटी प्रूफ करनी है उस पॉइंट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये पास नहीं होता तो हम सेकंड स्टेप चेक ही नहीं करते ठीक है अगर ये कंडीशन गलत है तो सेकेंड कंडीशन चेक ही नहीं करनी ठीक है तो डायरेक्ट लिख देंगे कि फंक्शन नॉन डिफ्रेंशियबल है सेकेंड कंडीशन वैसे होती है हमारी कि उस पॉइंट पे एट एक्स इज इक्वल टू सी हमारा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डिफरेंशियबिलिटी प्रूव करने का क्या तरीका होता है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आए उसी पॉइंट पे अगर हमारा फंक्शन फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो रहा है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है उस पॉइंट पे सेकेंड पॉइंट भी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है तो वो फंक्शन हमारा डिफरेंशियबल होता है ठीक है तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हमें गिवन है कि फंक्शन जो है वो मॉड एक्स माइनस वन है और हमें प्रूफ करना है कि वो नॉन डिफ्रेंशियबल है एट एक्स इज इक्वल टू वन तो हम पहली कंडीशन लेते हैं पहली कंडीशन में हमें प्रूफ करना है कि वो फंक्शन जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू वन की नहीं तो आपको पता है कि मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है मॉड एक्स का ग्राफ होता है ये अगर हमें मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ बनाना है मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ क्या होगा बस वो एट एक्स इक्वल टू वन पे आएगा जीरो की जगह ओरिजिन की जगह तो ये हमारा मॉड एक्स माइनस वन है आपको पता है कि हर मॉड्युलस फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता ही है तो इससे ये प्रूव होता है कि आपका मॉड एक्स माइनस वन भी कॉन्टिन्यूस होगा ही तो आपकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि एज वी नो दैट मॉड एक्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स बिलोंगिंग टू ऑल द आर रियल नंबर्स दैट मीन्स मॉड एक्स माइनस वन जो है वो भी हमारा कॉन्टीन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल्स टू वन तो हमारी फर्स्ट कंडीशन प्रूव हुई सेकेंड कंडीशन जो है वो हमारी है कि हमें प्रूव करने की एल एच डी जो है हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव की इक्वल है कि नहीं हमें कहां पे कहास इज इक्वल टू वन करते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का हमारा फॉर्मूला होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो फंक्शन एक्स माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है तो पुट कर देते हैं सीधा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच क्या हुआ हमें गिवन है एक्स माइनस वन तो एक्स माइनस तो हमें क्या प्रूव करना है ठीक है तो क्या आया हमारा वन माइनस एच माइनस वन ये आया हमारा माइनस एक्स की वैल्यू क्या वन तो वन माइनस वन पुट कर दी अपॉन माइनस एच ठीक है लिमिट लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो अब वन से वन कैंसिल हुआ मॉड माइनस एच और ये जीरो अपॉन माइनस एच तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो मॉड ऑफ माइनस एच क्या हुआ एच अपॉन माइनस एच एच से एच कैंसिल माइनस वन तो आपकी एल एच डी आई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया माइनस वन अब सिमिलरली हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव है हमारा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच ठीक है अब हमें राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो राइट हैंड डेरिवेटिव हुआ हमारा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो अपपुट कर देते वैल्यू वन प्लस एच माइनस वन माइनस वन माइनस वन ही हुई अपॉन एक्स की जगह आप वन पुट कर दे रहे समझ रहे हो क्योंकि एक्स इज इक्वल टू वन पे करना है तो एक स्टेप में और लिख देती हूं ताकि समझ आ जाए लिमिट h अप्रोचेस टू जीरोन एच क्योंकि एक्स की वैल्यू वन है सिमिलरली यहाँ पे भी लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो मुझे लगा आपको समझ ना आए तो एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच ठीक तो वन प्लस एच इधर भी कैंसिल हुआ ये भी जीरो हो गया तो क्या है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एच माइनस जीरो अपॉन एच लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो आप देख सकते हो कि आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया माइनस वन राइट हैंड डेरिवेटिव आया आपका वन तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है आपका इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है मतलब एफ जो है इज नॉन डिफ्रेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन ओके सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया हो मैंने जस्ट वन मोर टू हाईलाइट मैंने जो सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं इस डिफरेंट डेरिवेटिव्स uh, के वो मैंने एक वीडियो बना के ऐड कर दिया है सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू समझने के लिए हर फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव निकालना है सारे स्टैंडर्ड फार्मूलाज उसमें लिखे हुए सो द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हो फॉर योर कन्वीनियंस एंड आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू And don't forget to subscribe to the channel and like the video. And the most important part in case you have any query, please write down in the comment section. Thank you.